हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल कक्षा 12 इतिहास के पार्ट 1 के नोट्स पढ़ेंगे। देखिएगा साथियों, आपकी परीक्षा में हमारे कोचिंग के इन नोट्स में से सभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से हमारे साथ पढ़ते जाइएगा। नहीं तो पिछले साल भी बहुत सारे विद्यार्थी फेल हुए थे, इस बार भी बहुत सारे विद्यार्थी फेल होंगे। यदि आपको फेल नहीं होना है तो आप हमारे साथ अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को पढ़ते जाइएगा। तो देखिएगा, पहला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चारों वेदों के नाम बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर है, चारों वेदों के नाम निम्नलिखित है, जिसमें आपके पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद है। चलेगा, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, उपनिषद से आप क्या समझते हैं, यानी आपसे पूछा गया है उपनिषद से आप क्या समझते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है, उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है। उपनिषद वेदों का कौन सा भाग है? अंतिम भाग है, तथा इसमें आत्मा और परमात्मा के दर्शन की चर्चा की गई है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, धार्मिकेतर साहित्य से आप क्या समझते हैं, यानी जो धार्मिकेतर साहित्य होता है उससे आप क्या समझते हो, इसके बारे में आपको ये प्रश्न पूछा गया है। पिछले साल ये प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है, धार्मिकेतर साहित्य में धर्मशास्त्र या वे संहिताएं आती है जो विभिन्न सामाजिक समुदायों के कर्तव्यों का विधान करती है। यह चोरी, हत्या तथा व्यभिचार के लिए दंड निर्धारित करती है। धार्मिकेतर साहित्य का पहला ग्रंथ मनुस्मृति है। धार्मिकेतर साहित्य का पहला ग्रंथ कौन सा है? पहला ग्रंथ है आपके मनुस्मृति। चलेगा, बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, जातक से क्या तात्पर्य है, यानी आपसे पूछा गया है कि आखिरकार जातक क्या होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, जातक गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं का संग्रह है। जातक क्या है? गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं का संग्रह है। चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला आपके प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, जिसमें कहा जा रहा है प्रशस्ति किसे कहते हैं, यानी जो प्रशस्ति होती है वो किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है, कवियों ने राजाओं तथा आश्रयदाताओं की प्रशंसा में जिन अभिलेखों की रचना की है उसे प्रशस्ति कहते हैं। आई बात आपको समझ में? अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आप हमारे इन कोचिंग के नोट्स को अपने मोबाइल में किस प्रकार से देख सकते हो, चलेगा मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का लॉक ओपन कर देना है। तो इस प्रकार से मैंने मोबाइल का लॉक ओपन कर दिया है। उसके बाद में आपको गूगल पर जाना है। तो यहाँ पे गूगल पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको लिखना है MOST, उसके बाद में स्पेस EXAM, यानी आपको इस प्रकार से लिखना है मोस्ट एग्जाम। उसके बाद में नीचे यहाँ पे सर्च का बटन है, इसके ऊपर आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से मोस्ट एग्जाम लिखा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे आना है, यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल, और उसके बाद में यहाँ पे जो क्लिक लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल की सभी जानकारी आ जाएगी। यहाँ पे आपको कक्षा 12 के नोट्स देखने हैं, तो उसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ के कक्षा 12 के सभी विषयों के नोट्स खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको इतिहास के नोट्स देखने हैं, तो यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल कक्षा 12 इतिहास के सभी नोट्स, और उसके सामने क्लिक लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ के कक्षा 12 के इतिहास के सभी पाठों के नोट्स खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको पहले पाठ के नोट्स देखने हैं, तो इसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से कक्षा 12 इतिहास के पहले पाठ के नोट्स खुल जाएंगे। तो यहाँ पे आप सभी पाठों के नोट्स पढ़ सकते हो। चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके छठा प्रश्न है, सबसे पहला शिलालेख किसने लिखा है, यानी आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि सबसे पहला शिलालेख किसने लिखा था। तो इस प्रश्न का उत्तर है, सबसे पहला शिलालेख मौर्य सम्राट अशोक ने ब्राह्मी लिपि में लिखा था। कौन सी लिपि में लिखा था? ब्राह्मी लिपि में लिखा था। चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला आपके सातवां प्रश्न है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी सिक्कों का जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र कहते हैं। चलेगा, बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न है,
पुरातत्व शास्त्र किसे कहते हैं, यानी आपसे प्रश्न पूछा गया है कि पुरातत्व शास्त्र किसे कहते हैं। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न पिछले साल आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझिएगा। देखिएगा साथियों, आप इस चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपके और कक्षाओं के जैसे भी नोट्स आएंगे उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी, नहीं तो आपकी परीक्षा हो जाएगी और आपको समय पर नोट्स ही नहीं मिलेंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो देखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर है, अतीत के भौतिक अवशेषों का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे पुरातत्व शास्त्र कहते हैं, यानी जो अतीत के भौतिक अवशेष है उनका जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे पुरातत्व शास्त्र कहते हैं। चलेगा, बढ़ते हैं नवे प्रश्न की तरफ। नवा प्रश्न है, भारत में आने वाले चीनी यात्रियों के नाम बताइए, यानी जो भारत में चीनी यात्री आए थे उनके आपको नाम बताने हैं। यह भी प्रश्न आपके पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, भारत में आने वाले चीनी यात्री जिसमें एक पहियान है और दूसरा आपके हुएनसांग है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला आपके दसवां प्रश्न है, भारत में सबसे पहले किस राजवंश ने सोने के सिक्कों को जारी किया था, यानी जो भारत में पहला ऐसा कौन सा राजवंश है जिसने सबसे पहले सोने के सिक्कों को जारी किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर है, भारत में सबसे पहले कुषाण राजवंश ने, कौन से राजवंश ने, कुषाण राजवंश ने सोने के सिक्कों को जारी किया था। आई बात आपको समझ में? तो आपके पहले पार्ट के इतने ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं और इनमें से आपके बोर्ड के एग्जाम में सभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझिएगा। और अगले पार्ट के प्रश्न देखने के लिए साइड में जो आपको वीडियो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करके आप नेक्स्ट पार्ट के प्रश्नों को देख सकते हो। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।